ड्रिल स्टार्ट करने की अनुमति चाहता हूँ सर। शुरू कीजिए साहब। जो बेसिक गन ड्रिल है उसके लिए ये जो ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँचते हैं। लगभग 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इनकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद पहली बार ये फील्ड गन्स के साथ यहाँ पर एक डिटैचमेंट के तौर पर अलग अलग यहाँ पर इस कार्रवाई को सीख रहे हैं। 3 मिनट के अंदर इन्हें अपनी इस कार्रवाई को पूरा कर लेना होता है। यहाँ पे एक गंड्रिल चल रहा है। जो युवा अधिकारी इंडियन आर्टी में कमीशन हुए हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। जो इंडियन आर्टी की बेसिक गन है इंडियन फील्ड गन, उसके ऊपर इनकी गंड्रिल की प्रिपरेशन की जा रही है। कितने होते हैं एक ये टीम कहूँ मैं, क्या कहूँ मैम? इसमें एक डिटैचमेंट होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और हर मेंबर की एक ड्यूटी होती है। तो इसमें हर मेंबर की ड्यूटी इनको इससे वाकफियत की जाती है। किसकी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है मैम? जैसे इसमें बोलते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक, तो नंबर 1 जो होता है वो डिटैचमेंट कमांडर होता है। तो डिटैचमेंट कमांडर की जिम्मेदारी है कि गन के ऊपर जो भी एक्शन किए जा रहे हैं वो सेफ्टी उसमें ध्यान रखा जाए और जो भी आदेश उसको गन पोजीशन ऑफिसर से मिल रहे हैं उस आदेश को पालन कराए। ऑर्डर्स आते हैं कि ओपी ऑफिसर से कि फायर करना है, तो फिर गन पोजीशन ऑफिसर पास करता है डेटा इस नंबर 1 को। अब ये नंबर 1 की जिम्मेदारी है कि वो जो डेटा है गन के ऊपर सही सही लगवाए और इसको फायर करवाए। कोई टाइम लिमिट होता है इसे करने का? मैम इस गन को डिप्लॉय करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट के अंदर ये गन एक्शन में आ जाती है। पूरी ट्रेनिंग यहाँ रहती है वो बाहर नहीं, वो युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जो जो बाकी तैयारियां हैं वो भी किस तरीके से क्लासरूम के भीतर होती हैं वो यहाँ पर देखिए। एक समय पर 10 से अधिक कोर्सेज यहाँ पर पैरेलल चलते रहते हैं और इन समानांतर कोर्सेज में ऑफिसर्स, JCOs, NCOs सब ट्रेन होते हैं। अब ये एक यूनिट इंस्ट्रक्टर की क्लास चल रही है NCOs की, और आखिर आर्टिलरी के एक NCO को क्यों यहाँ पर एक क्लासरूम में बैठने की आवश्यकता होती है वो भी हम समझ लेते हैं। सो ओपी ऑफिसर उस टारगेट का जो टेक्निकल डेटा है यानी कि ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट को पता करता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्लास से कि अगर टारगेट का फ्रंटेज बैटरी फ्रंटेज से कम होता है तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर का कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ओके सत्ताम, ओके करेक्ट आंसर। NCOs को ट्रेनिंग देने के लिए हम यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्सेज चलाते हैं। बेसिकली इनका ट्रेड वर्क के ऊपर हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें अपने मतलब इसे नॉर्मल टर्म्स आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो आर्टिलरी में जो हमारे जवान हैं वो अलग अलग ट्रेड से संबंधित रखते हैं, तो हर ट्रेड का स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम यहाँ पे उनको यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट डे बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बहुत महत्वता है। टैक्टिकल कंप्यूटर है, आज हम उसके बारे में, उसके शूटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड का एक यूनिट सेंटर कोर्स है जिनमें हम इनको फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, उनके ऊपर इनको ट्रेनिंग देकर इन्हें अपने ट्रेड वर्क में निपुण करते हैं। जैसा कि आपको पता है आर्टिलरी किसी भी युद्ध के मैदान में बर्बाद करने में सक्षम है। ओपी ऑफिसर यानी कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर
फॉरवर्ड लोकेशन में होता है जो कि किसी इन्फेंट्री या आर्मर्ड कॉलम के साथ में होता है। हमेशा क्या ऐसे ही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे हम, हमेशा ऐसा ही क्लासरूम? जी, पहले के टाइम में हम सारा काम मैनुअली करा करते थे, जिसमें हमारा रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू डेटा पास होता था, उसके बाद कैलकुलेशन होती थी चार्ट के बेस पे। बस जैसे हम मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको ग्रेजुएट कर चुके हैं ऑटोमेटेड सिस्टम पर। तो साथ ही साथ ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ साथ इनको मैनुअल ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिस्टम्स दुश्मन की रेंज में फायर में आकर कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तो दोनों ही सिस्टम्स पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारा का सारा डेटा बटन के एक क्लिक के ऊपर गन एंड पे कमांड पोस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इन पांच पैरामीटर्स को फीड करने के बाद में वो डेटा को कंप्यूट करता है। UIFOS यानी अपग्रेडेड इंडिजिनस फॉरवर्ड ऑब्जर्वर सिमुलेटर, ये भारत में निर्मित एक सिमुलेटर है जिससे कि भारतीय सेना के नए ओपी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी नए ओपी ऑफिसर को लाइव फायरिंग कराने से पहले इस सिमुलेटर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उसका हौसला बढ़ सके और वह फायरिंग के भिन्न तरीकों को अच्छी तरह से सीख सके। लाइन ऑफ फायर फ्रॉम 3 o'clock टू 9 o'clock डायरेक्शन। परमिशन टू गिव फायर सर। फायर। इस सिमुलेटर की मदद से हम एमिनेशन की बचत करते हैं, खराब मौसम में ओपी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ओपी ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह सिमुलेटर कोई भी ओपी ऑफिसर जिस भी भूभाग में तैनात है उसमें प्रशिक्षण देने में मदद करता है। ये जो फॉरेन इंटीग्रेशन प्रोग्राम है उसके तहत हमारे पास में फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो जैसे हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है, इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, कार कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इनसे तो हमारे पास में ऑफिसर्स आते रहते हैं। आज की डेट में वी हैव अबाउट 41 ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑल्सो जो हमारे पास आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट नेशंस। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और हमारा इसमें बहुत फोकस है कि हम एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें, बिकॉज हम इस एक अपॉर्चुनिटी को एज ए मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आके रहते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं, हमारे ऑफिसर जेसूस जवान के साथ रहते हैं, तो वो इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं। नॉट ओनली दैट, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो अराउंड इंडिया। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इसके ऊपर बहुत फोकस रखते हैं और चाहते हैं कि कैपेबिलिटी के हिसाब से जितने ज्यादा हैं दैट विल बी बेटर एंड वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। यू फ्रॉम द नाइजीरियन? यस, फ्रॉम नाइजीरियन। हाउ डू यू लाइक द ट्रेनिंग? वेरी वंडरफुल, वेरी पर्पसफुल एंड वेरी गुड वन। स्पेंट अ मंथ हियर? यस, अ मंथ प्लस। Hope to get some really good knowledge from here back to Nigeria. Exactly, we are doing that. What have you learned here that you think is special and will help you back? Presently, we have learned how to occupy a gun position area, which is somehow different from my country. So I would love to take the addition I have learned here and take it back to my country. It's a win for my country. So getting some friends here? Yes, so many friends. Yes, from my Bravo troop friends. So जब हम ये कहते हैं कि कोई गन कितने mm की है तो उसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं 105 mm, दैट इज 105 mm मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि जो उसके बैरल का जो कुतर है, जो डायामीटर है, क्रॉस सेक्शन है बैरल का, वो 105 mm है। और उससे उसकी आक्रामकता पर, उसके मतलब जो वो कितना ज़्यादा विनाश कर सकता है उस पर असर होता है? जी बिल्कुल, अगर मैं 105 mm की बात करूँ तो जो शेल, जो एमिनेशन उस गन से फायर होता है उसका भी कुतर 105 mm होता है। सिमिलरली अगर मैं बोफोर्स की बात करूँ तो उसका कुतर 155 mm होता है। तो ऑब्वियसली उसका शेल का साइज भी बड़ा होता है एंड उसका कुतर भी बड़ा होता है। तो टारगेट एंड पे यानी कि दुश्मन के ऊपर उसका कहर जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? हम अभी मौजूद हैं 105 mm इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन के उपकरण कक्ष में। यहाँ पे इन तोपों के डिफरेंट
कटआउट मॉडल्स और ट्रेनिंग एड मॉडल्स रखे गए हैं, जिनकी मदद से हम यंग ऑफिसर्स और लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स कर रहे अधिकारियों को यहाँ पे इनके कार्य प्रणाली के बारे में शिक्षित करते हैं। रेगुलर गेम पार्ट है शेड्यूल का? हाँ, ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग के बाद गेम्स फॉर रेडी वही टाइम है जहाँ पर हम बैचमेट्स के साथ रिलैक्स एंड एंजॉय करते हैं। शेड्यूल के हिसाब से देयर आर पीरियड्स फॉर गेम्स। तो मतलब रिलैक्स एंड एंजॉय करते हैं या यहाँ भी कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन रहता है, बट इट इज मोर काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम दी स्टडीज दैट वी हैव। सो ये हमें दर्शाता है कि जितनी गलतियां हम कर सकते हैं ऑपरेशन में, वो सैंड मॉडल तक सीमित है। सैंड मॉडल पे हम अपना प्लान, दुश्मन का प्लान, उसके हिसाब से करके जितनी भी खामियां निकलेंगी, जितना भी कमियां निकलेंगी, वो हम यहीं पे ठीक कर सकते हैं। अगर यही गलतियां हमने लड़ाई में करी तो वो जानलेवा हो सकती है। इसलिए जितनी गलतियाँ करनी है सब पीस में करनी है, वॉर में कोई गुंजाइश नहीं है।